तेरे को ढूंढा जा रहा है, तू मिल नहीं रहा है। जिस दिन तू मिल गया, अब मेरे सारे मुसलमान भाइयों से मेरी गुजारिश है, ये उद्देश्य वाला जहां भी तुम्हें दिखाई दे, इसका ना इसको मैं ऑफिस तो लाने वाला हूं थोड़े दिनों में, लेकिन इसको ना इसको मारना मत, इसका कुछ करेंगे अपन। ये जो नकली उद्देश्य वाला है ना, अबे तू अभी तक तो ठीक है, तू मेरे बारे में बोल रहा था, यहाँ बोल रहा था, अभी तेरे को और फेमस करता हूँ मैं ताकि मेरे भाइयों को पता। तो आपने जो एजाज खान का वीडियो देखा, उसमें वो एक उपदेश राणा के बारे में बोल रहा है, और उपदेश राणा कौन है जिसने सलमान खान के गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने धरने पर बैठने का ऐलान किया है 11 अक्टूबर से। और आप उसे हल्के में मत लीजिए, आपने देखा एजाज खान कैसे बोल रहे हैं, उपदेश राणा कौन है और क्यों वो सलमान खान के बंगले के सामने यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के सामने जहां सलमान खान रहते हैं वहां पे धरने पे बैठने वाला है। ये उपदेश राणा है, राष्ट्रीय महासचिव विश्व सनातन संघ। उपदेश राणा की ज़बरदस्त फैन फॉलोइंग है और खुद को हिंदू नेता उपदेश राणा बोलता है, और हिंदुओं से जुड़े मुद्दों पर जहाँ भी मुस्लिम हिंदू विवाद होते हैं वो पहुँचता है। और कैसे एजाज खान तक इससे परेशान हुआ, और ये मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, उपदेश राणा की ट्वीट कि मन्नू वैष्णव की रफीक ने कुल्हाड़ी से हत्या कर दी, वो समाचार पत्र विक्रेता था, मैं उससे मिलने जा रहा हूँ राजस्थान। देश में कहीं भी हिंदू मुस्लिम होता है तो उपदेश राणा हिंदू पक्ष के साथ हमेशा खड़ा मिलता है, चाहे वो देश के किसी कोने पर हो। मथुरा पहुँचा, भरत यादव के परिवार से मिला, उसकी बेटी प्राची यादव को मैं आजीवन पढ़ाऊंगा, ये फोटो है। और ये भरत यादव कौन है, लस्सी विक्रेता जिसका विवाद हुआ था कुछ मुस्लिम युवकों से और उसकी हत्या कर दी गई थी, उसकी बेटी को गोद लिया, उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाने की बात की। अब मुंबई से बात कर लेते हैं, आप सोचोगे मुंबई में वो क्या कर पाएगा। एक साल पहले वो मुंबई पहुँचा था, श्री राम के नाम से एक देसी बार चल रहा था, उसके उसने पुलिस से शिकायत की, बाकायदा उस वक्त के फ़ोटो डाले हैं और वो बार उसने बंद करवाया, आप देख रहे हैं बार के सामने जहाँ श्री राम लिखा हुआ था वो हट गया, वो पुलिस की गाड़ी लेके पहुंचा था, वो फ़ोटो डाले हैं, वो FIR के फ़ोटो डाले हैं। आगे देखिए, रांची में जिस ऋचा को बोला गया था, कोर्ट ने बोला था कि वो 5 कुरान की प्रतियां बांटे हैं, उस ऋचा से उसने बात की और साफ बोला है कि ऑडियो कॉल पर बात के कुछ अंश नहीं बांटेंगे तो मतलब नहीं बांटेंगे। यानी जहाँ भी हिंदू मुस्लिम इशू है ये उपदेश राणा वहाँ पहुँचता है। ये एजाज खान वाला वीडियो इसने शेयर किया कि इसके चेहरे को गौर से डर देखना, और फिर वो मुंबई पहुँच जाता है। इसने उपदेश राणा ने वीडियो डाला अपना कि मुंबई पहुँच गया हूँ, अब बोल एजाज खान तुझे कहाँ मिलना है। बाद में एजाज खान की गिरफ्तारी हो गई थी। और आप देखिए, यहाँ अमरनाथ यात्रा पर जो मस्ता हुआ, ऐसा नहीं है कि उपदेश राणा को इससे परेशानी नहीं होती। एक व्यक्ति ने जिसका नाम था सलीम कास्कर, अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के नाम से उसे कॉल किया होटल में, तब पुलिस जांच में जुटी थी। ये वो फ़ोटोज़ हैं, जहाँ भी मेरठ में 124 लोग अपना मकान बेचकर जाना चाह रहे हैं, मैं जाऊँगा उनकी टीम के साथ। उपदेश राणा हर जगह, राजस्थान के बांसवाड़ा में महाराणा प्रताप की मूर्ति खंडित हो गई है, मैं पहुँचूंगा। अब मैं आपको बता दूँ कि दरअसल बिग बॉस के खिलाफ जो कैंपेन चला था, बिग बॉस में अश्लीलता बढ़ रही है, बिग बॉस में लव जिहाद फैलाया जा रहा है, इस तरह के आरोप लगाए गए, ट्विटर पर कैंपेन चलाया गया और बिग बॉस वैसे ही चलता रहा। अब उपदेश राणा ने कहा है, लिखा है कि अगर 4 दिन में बिग बॉस के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो ठीक है, नहीं तो 11 अक्टूबर से गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान के आवास पर निशान पर बैठ जाऊँ, हम मिट जाएं, लेकिन संस्कृति नहीं मिटनी चाहिए। अब आप नीचे देखिए, 4,000 रिट्वीट हो चुके हैं और 11,000 से ऊपर लाइक। तो बिग बॉस में कोई फ़र्क आता है, सलमान खान पर कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि उपदेश राणा अगर गैलेक्सी अपार्टमेंट पहुंचता है, पुलिस पहुंचने देती है, तो हंगामा होना तय है। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।